हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो क्या करने वाले हैं आज, हम पैराबोला ख़त्म करेंगे। मैंने वो शायद रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई थी, तो मैंने इस वजह से वो लिंक भेजा था। रिकॉर्डिंग आज अपलोड हो जाएगी, आजकल में होपफुली सब लोग पैराबोला लास्ट लेक्चर रिवाइज करके आए होंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने को बोला था, सारे के सारे चीज़ें फॉर्मूलाज लिखने को बोला था, कुछ होमवर्क दिया था और होमवर्क मैं आज दूंगा। ऑल द होमवर्क यू नीड टू सबमिट बाय, यू हैव टू सबमिट बाय मंडे। लास्ट डे इवन ट्यूसडे होती है, बट यू हैव टू सबमिट द होमवर्क बाय मंडे, जिसमें मैं ट्यूसडे, ट्यूसडे इज बफर डे, क्योंकि काफी बार मैंने नोटिस किया है लोग जब ट्यूसडे का डाउट डिस्कशन होता है तो बोलते हैं कि सर अभी तो किया नहीं है क्योंकि ट्यूसडे होमवर्क सबमिट करने को था। नहीं, मोस्ट ऑफ द डाउट्स डिस्कशन आर ऑन मंडे और ट्यूसडे, तो यू हैव टू डू योर होमवर्क बाय मंडे। श्रावणी, अभी वॉइस सही आ रही होगी, बाकी सबको क्लियर आ रही है? हाँ, क्योंकि बाकी को क्लियर आ रही है तो मेरी साइड से प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे पिछले क्लास में जाते जाते, टी से रिलेटेड काफी पॉइंट्स देखे थे। वो पॉइंट्स सबको पता भी होंगे, याद याद भी करने हैं, क्योंकि वो यूज होंगे कहीं ना कहीं, वो यूज होंगे। एक पॉइंट लिखा था कि अगर पी क्यू फोकल कॉर्ड है, कौन सा क्वेश्चन, कितने पॉइंट्स मैक्सिमम हमने देखे थे? 8। तो एक मतलब उसको 9 की तरह भी लिख सकते हो इसको, जिसमें हमने एक पॉइंट देखा था कि अगर पी क्यू फोकल कॉर्ड है, अगर पी क्यू फोकल कॉर्ड है तो पी टी वन टी टू में क्या रिलेशन होता था? एक मिनट, इफ पी क्यू इज अ फोकल कॉर्ड देन पॉइंट नंबर 9 सेज, लेकिन अभी पॉइंट नंबर 9 अलग है। ये अगर पी टी वन है और ये अगर क्यू टी टू है, तो पी क्यू की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं यूजिंग विच मेथड, यूजिंग विच मेथड, विच थिंग, टू पॉइंट फॉर्म वाला। यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म से हम पी क्यू की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो पी क्यू की जो इक्वेशन निकलती है वो होती है, मैं सीधे सीधे पी क्यू की इक्वेशन लिख दे रहा हूं, वाई टी वन प्लस टी टू बाई टू इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी वन टी टू। ये पी क्यू की इक्वेशन होती है अगर पी एन क्यू आर टी वन एंड टी टू। इसी से वो दो, इस इक्वेशन से वो दो चीज डेराइव होती हैं। कौन सी दो चीज? दो पॉइंट। कौन से दो पॉइंट? कि अगर ये पी क्यू मेरा फोकल कॉर्ड बनता है तो टी वन टी टू के बीच का रिलेशन क्या होगा? टी वन टी टू इज इक्वल टू -1। एंड अगर पी पे नॉर्मल है और वो क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो टी टू इज इक्वल टू -T1 -2 बाई टी वन।
ये पर्टिकुलर PQQ क्वेश्चन तो हमेशा वैलिड होगी क्योंकि ये टू पॉइंट फॉर्म है, यहाँ पे ये फोकल कॉर्ड नहीं है, दिस इज अ कॉर्ड, दिस इज अ सिंपल कॉर्ड PQ, ठीक है। अगर ये फोकल कॉर्ड बन जाता था, सपोज करो इफ दिस बिकम्स अ फोकल कॉर्ड, तो इसका मतलब ये कहां से पास करेगा, फोकस से। तो फोकस क्या होता है, ए कॉमा जीरो, मैं उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो इधर जीरो हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू ए प्लस ए टी वन टी टू, ए तो कभी जीरो हो नहीं सकता तो ए कैंसल हो सकता है, तो जीरो इज इक्वल टू वन प्लस टी वन टी टू, तो यहीं से वो चीज निकलती थी कि टी वन टी टू इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। जस्ट एक चीज का प्रूफ बता दिया, बाकी और किसी चीज का मैं प्रूफ नहीं बताने जा रहा, अब हम आगे की थ्योरी करेंगे। बहुत ज्यादा चीजें बची नहीं है, वी विल फिनिश द पैराबोला टुडे। ठीक है, तो होपफुली ये चीज सबको समझ में आ गई। मुझको ये बताओ व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स टू अ पैराबोला फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एक्स वन वाई वन। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होगी टू अ पैराबोला फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। यस, ऑलमोस्ट सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। टी इक्वल टू जीरो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट सबको अगर नहीं याद है तो याद भी आ जाएगी। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उस टेंजेंट को के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड, ठीक है, ये होती है जिसकी इक्वेशन होती है टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो के मतलब क्या हुआ, वाई वाई वन इज इक्वल टू टू ए एक्स प्लस एक्स वन।
ठीक है आगे करें। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला बाइसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट। अगर ये पैराबोला है और ये कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए जो एक्स वन एंड वाई वन पे बाइसेक्ट कर रही है, देन क्या होता था? यस, टी इज इक्वल टू एस वन। ठीक है, अगेन सारी चीजें मैंने बहुत प्यार से समझाई हैं, लास्ट टाइम इतने आराम से समझा रहा हूं क्योंकि उसके बाद जब एलिप्स हाइपरबोला में आएगा तो उसमें मैं सीधे सीधे फिर लिख के आगे मूव कर जाऊंगा। ठीक है, t इज इक्वल टू एस वन। क्वेश्चन करें। यस, वी विल डू क्वेश्चंस। फाइंड लेंथ ऑफ, नहीं पहले लेंथ वाला नहीं करते, पहले इजी करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हूज मिड पॉइंट इज 3,4 टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यू हैव टू टेल मी द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज 3,4 टू पैराबोला ट्राई करो सब लोग। सीधे जल्दी से आंसर दो मुझको, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। यस, सही है सबका। x माइनस टू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। सीधे सीधे इसमें कुछ भी नहीं करना है, t इज इक्वल टू एस वन करना है। वॉट वुड बी टी? y वाई वन माइनस टू ए, मतलब यहां पे a 1 है तो 2a x प्लस एक्स वन।
इज इक्वल टू एस वन कैसे निकलता है सीधे सीधे 4 square minus 4 into 3 तो 4y minus 2x minus 6 इज इक्वल टू 16 minus 12 4 तो सबको एक साथ भेज दिया उधर भेज दिया 0 is equal to 2x minus 4y plus 10 ऑब्वियसली 2 से डिवाइड कर सकते हो 0 is equal to x minus 2y plus 5 ठीक है सबसे हो गया होगा अब लाइन से मैं तुमको दो क्वेश्चन दे रहा हूं एंड यू हैव टू ट्राई देम एंड देन गिव मी द आंसर चलो पहले एक क्वेश्चन कर लेता हूं फिर मैं दो क्वेश्चन दूंगा एक क्वेश्चन से थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ chord of parabola y square is equal to 12x which always passes through 5, 6 find locus of midpoint of chord of parabola y square is equal to 12x which always passes through 5, 6 nikalo आंसर बताओ अच्छा करेक्ट है स्वयं करेक्ट है यश करेक्ट है आदित्य करेक्ट जिसका करेक्ट है उनका इनाम ले रहा हूं मैं Pranav, good. Ajinkya, good. अथर कुछ सिली मिस्टेक किया है क्या अथर देसाई बाकी सबका बहुत गलत है सो ऋतुजा करेक्ट बेसिकली जिनका जिनका गलत है वो एच के और एक्स वाई में कंफ्यूज हो जा रहे हैं दे आर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन एक्स वाई एंड एच के
लेट द मिड पॉइंट बी एच कॉमा के, क्योंकि जिसका लोकस निकाला जाता है उसी उसी को तो एच कॉमा के माना जाता है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, P is equal to S1 should be the chord. YK minus 6 X plus H is equal to K square minus 12 H. This should be my chord. अब इस chord के बारे में क्या बोला है? This chord passes through 5,6. तो 5,6 को इसमें substitute करेंगे. किसमें substitute करेंगे? X एंड Y में सब्सटीट्यूट करेंगे, नॉट H एंड K. वी विल सब्सटीट्यूट 5,6 इन X एंड Y, क्योंकि X एंड Y की वैल्यू है 5,6. 6K माइनस 6, 5 प्लस H इज इक्वल टू K स्क्वायर माइनस 12 H. ओपन करके सबको एक साथ ले आएंगे तो 0 इज इक्वल टू K स्क्वायर ये क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट में बंद कर रहा हूं इसको, ये अटक गया। तो मैंने टी यस वो शायद बनता है 6K माइनस 6 5 प्लस H इज इक्वल टू K स्क्वायर माइनस 12 एच, जिसको मैं एक साथ लिख जाऊंगा तो K स्क्वायर माइनस 6 एच माइनस 6K प्लस 30 बनेगा इक्वल टू 0. तो मेरा फाइनल आंसर होगा वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0. ठीक है, ओके गाइस, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना कि तुम्हें एच के में सब्स्टिट्यूट करना है कि एक्स एंड वाई में सब्स्टिट्यूट करना है. ये काफी मेजर मिस्टेक होती है जो लोग करते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही दो क्वेश्चन हम और करेंगे. ठीक है, सेम टाइप का अच्छा क्वेश्चन माना जाता है. Find locus of midpoint of विनीत बेटा, लोकस की थ्योरी वापस रिवाइज करो. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हो तुम.
स्ट्रेट लाइन में है. फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विच सबस्टेंड 90 डिग्री एट ओरिजिन. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये. दिस इज अ बिट ऑफ बेटर क्वेश्चन. लेट मी सी कौन कर लेता है ये. यू हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड टू द पैराबोला y square is equal to 4ax which subtend 90 degree at origin. देखते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा अलग तरह से तुमको सोचना पड़ेगा. मे बी तुम लोगों के पास 5 मिनट है इसको करने के लिए. सब लोग ट्राई करो. यू हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड टू द पैराबोला विच सबस्टेंड 90 डिग्री एट ओरिजिन. जो जिस तरह से कर रहे हैं उसका पहला स्टेप चैट पे लिखते चले जाओ. जिसका सही होगा मैं बोल दूंगा व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप यू डू. चैट पे लिख दोगे तो जिनका सही होगा आई विल से. हाँ प्रणव अजिंक्य सही सोच रहे हो. नहीं असीम, शिवराज सही सोच रहे हो, सैम सही सोच रहे हो, जायश नहीं, अथर्वा नहीं, ऋतुजा नहीं, यशवन नहीं, सैम सही सोच रहे हो. अच्छा थोड़ा सा और सही करो. आई थिंक सही सोचा है तुमने, एक्सप्लेन नहीं किया. शुभांगी करेक्ट. सैम गो हेड. शुभम गुरनानी गलत है बेटा. यश रुसलानी नहीं बेटा, थोड़ा सा और सोचो. कहीं ना कहीं डू यू गाइज नो. मैं चलो काफी लोगों ने सही बोला, आई एम हैप्पी. अ कॉर्ड सबस्टेंडिंग 90 डिग्री एट ओरिजिन. अ कॉर्ड सबस्टेंडिंग 90 डिग्री एट ओरिजिन. पिछली क्लास में हमने देखा था T1 T2 इज इक्वल टू -4. T1 T2 इज इक्वल टू -4. तो कहीं ना कहीं इसका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका यूज नहीं किया तो इट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व. T1 T2 इज इक्वल टू -4 याद आया सबको. तो यहां पे वो पिछले क्लास की थ्योरी याद आती है. अगर ये T1 है तो ये पॉइंट क्या है, व्हाट इज दिस पॉइंट.
सो सबसे पहली चीज T1 T2 इज इक्वल टू -4, दिस इज अ नोन थिंग. नाउ इसी कॉर्ड का मिड पॉइंट तो H कॉमा K है, तो डैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? सोह माली नहीं, गलत बोल रहे हो. डैट वुड बी व्हाट? सीधे सीधे मिड पॉइंट फॉर्मूला, ए T1 प्लस T2 का T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर बाई 2 और 2A T1 प्लस 2A T2 ए एवरीवन ये समझ में आता है? इसका क्या मतलब हुआ? मेरा H की वैल्यू मुझे मिल गई, K की वैल्यू मिल गई एंड T1 T2 इज इक्वल टू -4 मिल गया. हमें इन द एंड लोकस निकालने के लिए क्या करना होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लोकस? लोकस मींस अ रिलेशन बिटवीन H एंड K, अ इक्वेशन बिटवीन H एंड K. अच्छा, मैंने लोकस पूछा है, तुम वो कॉर्ड में आ गए, कॉर्ड की सारी प्रॉपर्टीज मैंने यूज कर ली. हमें अपना लोकस निकालने के लिए एच एंड के में रिलेशन चाहिए, तो व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू एलिमिनेट T1 एंड T2. चलो काम पे लग जाओ. वी नीड टू एलिमिनेट बोथ T1 एंड T2. क्यों? T1 एंड T2 मेरे एज्यूम किए हुए वेरिएबल्स हैं. मेरा एज्यूम किया हुआ वेरिएबल कभी भी आंसर में नहीं आ सकता है. लग के मुझको आंसर बताओ. एलिमिनेट T1 एंड T2 एंड गिव मी द आंसर. थोड़ा सा अच्छा मेथड है. मुझको आंसर बताओ. अच्छा मेथड है एलिमिनेट करने का. कहीं ना कहीं मैंने शायद ये मेथड बताया होगा, अगर नहीं बताया है तो आज के बाद ये मेथड याद रखोगे. जब भी T1 प्लस T2 दिया है, T1 T2 दिया है एंड T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर दिया है, या फिर T1 माइनस T2 दिया है, T1 माइनस T2 दिया है, T1 T2 दिया है एंड T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर दिया है, तो माय मेथड सेज T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर. ठीक है, अब देखते हैं, यहां से कंपेयर करते हैं. T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर क्या दिख रहा है तुमको? 2H बाई A. सही लिख रहा है मैंने? नहीं, वो गलत मैंने लिख दिया ना. यहां पे इधर आएगा ना 2H by A. T1 T2 कितना है? -8, तो this would be -4. और T1 plus T2 क्या है? K by A का whole square. पूरी equation को मैं A square से multiply कर दूं, जिसमें denominator हट जाए. 2AH minus 8A square. तो my final answer is Y square is equal to 2AX minus
एट ए स्क्वायर. ये क्या बना, वॉट इज दिस, क्या बोल सकते हो, वॉट इज दिस, दिस इज अ पैराबोला. तो इस क्वेश्चन को अगर मैं अच्छा बनाता और अच्छा बनाता तो क्वेश्चन ऐसे चेंज हो सकता था, What would be the nature of locus of midpoint of chord to the parabola? What would be the nature of locus of midpoint of the parabola? Or options में आता pair of straight lines, circle, parabola, ellipse, hyperbola. तुम्हारे option में ये आ जाता. Equation निकाल, तब भी तुमको equation तो निकालनी ही पड़ती. और equation निकालने के बाद you can guess कि okay this looks like a parabola. ठीक है. या फिर पूछ लेते व्हाट वुड बी द वर्टेक्स ऑफ द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैराबोला. ठीक है, तो अलग अलग मेथड के थ्रू ये क्वेश्चन कर सकते हैं. एंड दिस वाज अ वेरी गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन. ऑब्वियसली हमने क्या किया, हमने T1 T2 = -4 लिया. क्यों, क्योंकि ये मैं लिखा चुका हूं एच कॉमा के मिड पॉइंट है T1 एंड T2 का, तो एच एंड के की वैल्यू मिल गई मिड पॉइंट फॉर्मूले से. और जब भी किसी क्वेश्चन में T1 square plus T2 square T1 plus T2 और T1 T2 है तो ये तो हमेशा इट्स अ नोन थिंग ना, ये तो एक एक्सपेंशन है. ठीक है, डन एवरीवन. उसके बाद ये होता है, सीधे सीधे यहां पे सब्स्टिट्यूशन कर दिया है. क्यों, h की वैल्यू यहां से a T1 square plus T2 square by 2 दिख रही है मुझको, और k की वैल्यू a ठीक है. अब आगे करते हैं. फाइंड लेंथ ऑफ सीओसी of tangent drawn from (2, 5) to parabola y² = 8x.
Everyone try this. Find the length of chord of contact of tangents drawn from 2,5 to y square is equal to 8x. एवरीवन ट्राई करो. आंसर रूट में आ सकता है. फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉन फ्रॉम 2,5 टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x. लेकिन अभी तक किसी का मुझे सही नहीं लग रहा है. अश्वथ थोड़ा सा सही करने करो. एवरीवन यश चवन करेक्ट बेटा. आंसर लाओ चाहे जैसा भी करो. गेट मी द आंसर, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा. तुहिन करेक्ट है. आंसर है 3/2 root 41. 3/2 root 41. किसका किसका आ गया रेज योर हैंड. थ्री बाय टू रूट 41 बहुत कम लोगों का आया. थ्री बाय टू रूट 41 गुड.
ठीक है, अब कैसे करेंगे? सबसे पहले बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, मे बी लेंदी कह लो, लेंदी भी नहीं है। यहां से मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकाल सकता हूं, इस पॉइंट से सब लोगों ने निकाली होगी, इतना तो निकाला ही होगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन, टी इक्वल टू जीरो से 5y इज इक्वल टू 4x प्लस 2। ये क्लियर है सबको? दिस इज माई सीओसी। अब समझो हुआ क्या। अब मेरे लिए सिर्फ क्वेश्चन दो चीज है, दिस इज माई सीओसी एंड दिस इज माई सीओसी एंड दिस इज माई पैराबोला। पैराबोला क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड सीओसी क्या है? मैं वैसे लिख देता हूं, 5y इज इक्वल टू 4x प्लस 8। अब समझो, आई नीड टू फाइंड आउट दीज पॉइंट्स, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि मुझे लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के लिए मुझे कहीं ना कहीं डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए होगा, और वो निकालने के लिए मुझे, तो आई नीड टू सॉल्व दैट दीज साइमल्टेनियसली। मुझे इनको ठीक है, अब देखो मैं इससे x की वैल्यू भी पुट कर सकता था, y की भी वैल्यू पुट कर सकता था, मेरी मर्जी थी, चाहे मैं x पुट करता चाहे मैं y पुट करता। मुझे x पुट करना थोड़ा सा इजी लग रहा था, x इज इक्वल टू 5y माइनस 8 बाई 4 इसमें मैंने पुट किया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 5y माइनस 8 बाई 4, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 5y माइनस 8, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इक्वल टू 0, तो शायद इससे y माइनस 8 y माइनस 2 मिला, तो y की वैल्यू 2 मिली, एक y की वैल्यू मिली 8 और एक y की वैल्यू मिली 2। x की वैल्यू निकालने के लिए तुम लाइन में ही सब्स्टिट्यूट करोगे, पैराबोला में नहीं सब्स्टिट्यूट करोगे, क्योंकि लाइन में सब्स्टिट्यूट करोगे लीनियर इक्वेशन है। आई ऑलवेज ट्राई टू यूज लीनियर इक्वेशन इंस्टेड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लाइन एक लीनियर इक्वेशन है, तो मैंने 8 को इसमें सब्स्टिट्यूट किया, अगर मैंने 8 को इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे ये 8 ही मिल रहा है, और 2 को इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो ये मुझे 1/2 मिल रहा है। तो मेरे पॉइंट्स मुझको मिल गए साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए। गॉट इट? सबको ये चीज समझ में आई? नेक्स्ट करते हैं। द लाइन 3x plus y is equal to 6 intersects the parabola y square is equal to
फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट ए एंड बी. ठीक है, दिस इज माय क्वेश्चन, लग जाओ. द लाइन 3x प्लस y इज इक्वल टू 6 इंटरसेक्ट्स द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट टू पॉइंट्स a एंड b. यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट a एंड b. करो. अच्छा, सही से गलती नहीं. अब तक आ जाना चाहिए था.
when I talk about this question, this is one of the most easiest question. अगर तुम्हें पूरा का पूरा concept समझ में आता है तो सम प्लस माइनस की मिस्टेक तो नहीं की. क्वेश्चन समझो हो क्या रहा है. क्वेश्चन में ये मेरा पैराबोला है, ये मेरी लाइन है और इस लाइन ये ए एंड बी पे इंटरसेक्ट कर रही है, जिससे मैं दो टेंजेंट्स बना रहा हूं जो कहीं इंटरसेक्ट कर रही है. मुझको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए. ठीक है, ये लाइन क्या है? 3x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो. अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है तो मुझको बताओ x1 कॉमा y1 के रेस्पेक्ट में AB लाइन क्या है? यस, x1 कॉमा y1 के रेस्पेक्ट में AB है COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. तो सीधे सीधे x1 कॉमा y1 के रेस्पेक्ट में COC क्या बनेगा? इससे मैं t इक्वल टू जीरो बनेगा ना मेरा COC. t इक्वल टू जीरो क्या होगा? yy1 माइनस 2x प्लस x1 इक्वल टू जीरो. थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लिया, माइनस टू एक्स प्लस yy1 माइनस 2x1 इक्वल टू जीरो. तुमको ये समझ में आता है? ये COC और ये दोनों सेम है. दीज टू आर सेम. अगर दो लाइन सेम होती हैं, इफ टू लाइन्स आर सेम, तो इसका क्या मतलब होता है? उनके कोएफिशिएंट्स का रेशियो सेम होगा. रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट वुड बी सेम. यानी यहां एक्स का कोएफिशिएंट माइनस टू अपॉन थ्री वुड बी इक्वल टू y1 अपॉन वन वुड बी इक्वल टू माइनस टू x1 अपॉन माइनस सिक्स. तो इससे देखो मेरा y1 मुझको, अगर फर्स्ट टू लेंगे तो y1 मुझको माइनस टू बाई थ्री हो रहा है, एंड अगर इससे x1 लेंगे तो x1 शायद मुझको माइनस टू मिल रहा है. ठीक है, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड और सब लोग यही मेथड फॉलो करोगे. कोई भी और मेथड फॉलो किया है तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड. तुम्हें ए एंड बी नहीं पूछा है तो मैं किसी भी मोमेंट पे मैं ए एंड बी नहीं निकालने जाऊंगा, मैं डायरेक्टली ये कर लूंगा. और ये जेई मेन का आया हुआ क्वेश्चन है, इतना सिंपल, तीन लाइन का क्वेश्चन है, तीन लाइन, दैट्स इट. क्लियर हुआ सबको? आर यू गाइस क्लियर? तो इतना सिंपल क्वेश्चन जेई मेन में आता है और हो जाता है बच्चों से. बस यही होता है कि उस टाइम तुम अभी सारी चीजें समझ में आती है, बाद में भूल जाते हो, तो उस टाइम याद रखना इंपॉर्टेंट होता है. धीरे धीरे सिलेबस बढ़ता है तो चीजें बढ़ती हैं, लेकिन हमेशा क्वेश्चंस इजी आते हैं, तुम्हारे नोट्स के ही क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन.
find locus of a point whose COC with respect to parabola y square is equal to 4bx is tangent to, चलो मैं 4bx की जगह वैल्यूज ही दे देता हूं, तो तुम्हारे लिए 12x is tangent to parabola find locus of point whose COC, whose chord of contact with respect to parabola is basically tangent to this parabola. करो, इन द एंड एक आंसर आएगा, मुझे वो आंसर चाहिए. ठीक है, आयुष सिंगर है, करके आंसर दो मुझको. Find locus of point whose COC with respect to parabola this is tangent to this parabola. विनीत ब्राह्मकर क्या बोल रहे हैं बेटा, T is equal to S1 कहां से आ जाएगा, कहीं यहां पे chord with the midpoint दिया है, T is equal to S1 कैसे आ गया, कुछ तो रिवाइज करके बैठा करो बेटा. लेट द लोकस बी, लोकस क्या होता है हमेशा, एच कॉमा के, हाँ स्वयं सही है. So, H, K के रेस्पेक्ट में, अक्षय करेक्ट है, H, K के रेस्पेक्ट में COC क्या होगा, YK माइनस 6 X प्लस H. डू यू गाइस एग्री, यानी YK इज इक्वल टू 6X
प्लस सिक्स एच, यानी वाई इज इक्वल टू सिक्स बाई के एक्स प्लस सिक्स एच बाई के. एम आई राइट? ये मेरा हुआ COC. Now this COC should be tangent to this parabola. इस पैराबोला का कोई भी टेंजेंट क्या होगा? Y is equal to mx plus a by m, यानी 2 by m. Am I correct? और ये दोनों सेम ही होंगे ना, क्योंकि ये एक जनरल टेंजेंट है और ये मेरा COC है जो टेंजेंट है. इसका क्या मतलब हुआ? मेरा m की वैल्यू मुझको क्या दिख रही है? 6 by k. और 2 by m की वैल्यू क्या दिख रही है? 6h by k. All we need to do is m मेरा एज्यूम किया हुआ वेरिएबल है. m मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो, चाहे तो इससे इसमें पुट कर दो, सब एक ही चीज है. पुट कर दिया, 2 अपॉन 6 by k इज इक्वल टू 6h by k. तो मुझको दिख रहा है ये के ऊपर चला गया, के स्क्वायर इज इक्वल टू 18h. दिस इज माय आंसर. विच इज अगेन अ व्हाट? पैराबोला. एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. इतना सिंपल क्या किया मैंने? सबसे पहले COC लिख लिया, h कॉमा k का COC, और उसको टेंजेंट की इक्वेशन से कंपेयर करके m को एलिमिनेट कर दिया. ज्यादा दिमाग नहीं लगाया मैंने. लिख लो सब लोग. लिख लिया सबने? यस. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हुज slope is 4ax whose slope is m. करो. Everyone, do that. Find locus of midpoint of chord of parabola y square is equal to 4ax whose slope is m.
करो करो सब लोग, कोई कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. लेट द लोकस बी एच कॉमा के. तो कॉर्ड की इक्वेशन टी इज इक्वल टू एस वन. ये तो पहला, जहां पे भी मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला दिख गया तो बहुत ज्यादा चांसेस है टी इज इक्वल टू एस वन लगेगा. y k माइनस 2a x plus h is equal to k square minus 4ah. Can anyone tell me slope of this line? कोई मुझे इसका स्लोप बता सकता है? इस लाइन का स्लोप क्या है? ये जो कॉर्ड दिख रही है उसका स्लोप क्या है? यशवन गुड, स्वयं गुड, शामनी सिली मिस्टेक मत करो, अक्षय, आयुष सिंगर सिली मिस्टेक, आयुष शांदेकर एंड अश्वत बी वेरी क्लियर. स्लोप इज, काफी लोगों ने आंसर दिया 2a by k, yes, 2a by k, क्योंकि अगर इसको मैं चाहूं तो रीअरेंज करके लिखूं, सब लोग स्लोप गलती नहीं करना चाहिए, मैं पैराबोला पढ़ा रहा हूं. अब लाइन देख के अगर तुम लोग स्लोप गलत लिख रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं वीक है. आई डोंट लाइक दैट. स्लोप क्या हो जाएगा इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो yk इज इक्वल टू 2ax प्लस 2ah प्लस k स्क्वायर माइनस 4h. तो y इज इक्वल टू 2a बाई kx. तो मेरा स्लोप हुआ 2a बाई k, वही तो m हुआ ना, यही, दिस इज माई m, राइट? कि मेरा m कुछ अलग है, यही तो m दिया है ना, स्लोप इज m. और डू क्या हम, हमें y में एक k में एक रिलेशन मिल गया? यस, मेरा k इज इक्वल टू 2a बाई m, यानी कि y इज इक्वल टू 2a बाई m. दिस इज माई लोकस, y इज इक्वल टू 2a बाई m. दिस इज माई लोकस. बस हुआ क्या ये भी मैं समझा देता हूं. हुआ क्या वो समझा देता हूं. अगर किसी को फिगर से समझा रहा हूं, मतलब फिगर, आई हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला हु स्लोप इज m, यानी m स्लोप के कॉर्ड्स है. m ये एक कॉर्ड है, सिमिलरली एक और m स्लोप का कॉर्ड होगा, m स्लोप का कॉर्ड होगा, ऐसे पैरेलल कितने कॉर्ड्स होंगे? How many parallel chords would be there? Infinite chords होंगे ना. अब अगर इन सब का मैं midpoint देखने जाऊंगा ना, तो midpoint would be this एक line. कैसी line? Y is equal to 2a by h वाली line would be the y is equal to 2a by m would be the line जो इन सारे parallel chords के midpoint को join करती बनती है. ठीक है, ऐसी straight line होगी basically, and
एक किसके नीचे पॉइंट लिख लोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस लोकस, विच लोकस, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, दिस लोकस इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ पैराबोला. पैराबोला के लिए जो डायमीटर होता है वो उसकी डेफिनेशन होती है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स. ठीक है, तो दिस लोकस इज द इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ पैराबोला. प्लीज राइट इट डाउन एवरीवन. इसके बाद वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी आर डन विथ पैराबोला. सबको चीजें समझ में आई? तो डायमीटर ऑफ पैराबोला का लोकस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2a बाई एम. नहीं अक्षर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. इफ फ्रॉम अ वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन एक्स माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो pair of tangents are drawn to parabola y square is equal to 8x, then prove that COC always passes through a fixed point. Also, find that point. नहीं ओम, क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछा जाएगा. अदर वे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो देखोगे. हाँ सर, करेक्ट बोल रहे हो. इफ फ्रॉम अ वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन एक्स माइनस टू वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट एक्स देन प्रूव दैट सीओसी ऑलवेज पासेस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट ऑल्सो फाइंड दैट पॉइंट. नहीं वेदांत? हाँ सर, एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव सीन इन सर्कल. तो उस वक्त भी मैंने बोला था क्वेश्चन सारे रिपीट होते हैं.
गुड अक्षय, इफ फ्रॉम अ वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन दिस, अच्छा आप लोगों की ऑर्गेनिक की क्लास संडे होगी मोस्ट प्रॉब्ली, और नेक्स्ट वीक से मैं एक डेज फिक्स करके ऑर्गेनिक क्लास रखेंगे. दिस जस्ट द इंट्रोडक्शन. आंसर है 1.8. क्वेश्चन है इफ फ्रॉम अ वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन, तो अगर मुझे वो वेरिएबल पॉइंट ऑन लाइन एज्यूम करूंगा सबसे पहले, तो क्या एज्यूम करूंगा? नहीं, जितने लोग भी एच कॉमा के बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं. मैंने क्या बोला था पॉइंट में, सारी चीजें भूल जाते हो सब लोग. स्ट्रेट लाइन में बोला था जब भी एज्यूम करोगे एक ही वेरिएबल में एज्यूम करोगे. लेट दैट पॉइंट बी, या के में एज्यूम करो, लैम्डा में एज्यूम करो, डेल्टा में एज्यूम करो, लेकिन एक ही वेरिएबल में एज्यूम करोगे. तो मैं लैम्डा में एज्यूम करता हूं, मैं वाई को लैम्डा ले लेता हूं. कोई एक्स को भी लैम्डा लेगा तब भी चलेगा. मैंने वाई को लैम्डा लिया है जिसमें मेरा थोड़ा सा फॉर्म अच्छा बनता है. सॉरी, 2 λ-1, λ. एक्स एंड वाई में तो कोई नहीं एज्यूम करेंगे. कोई K में एज्यूम कर रहा है चलेगा, अल्फा में एज्यूम है चलेगा, H में एज्यूम कर रहा है तब भी चलेगा. तो K बेसिकली H के टर्म्स में आ जाएगा. ठीक है, तो माय पॉइंट इज 2 λ-1, λ. ठीक है, अब इसके लिए पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू दिस, लेकिन हमें उसका सीओसी चाहिए. पेयर ऑफ टेंजेंट तो सिर्फ हमेशा क्वेश्चन में नाम के लिए आ जाता है जब भी सीओसी की जरूरत पड़ती है. तो इसके लिए सीओसी क्या होगा? टी इक्वल टू 0, वाई लैम्डा माइनस 4, एक्स प्लस 2 λ-1 इक्वल टू 0. वाई लैम्डा माइनस 4x माइनस 8 λ+4 इक्वल टू 0. ये ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट. तो ये कौन सी थ्योरी बनी? ये फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ लाइंस की थ्योरी बनी, जिसमें लैम्डा वाले एक साथ ले लेते हैं और बाकी एक साथ ले लेते हैं. तो मुझको ये समझ में आ रहा है कि मेरे पास दो लाइन मिल गई हैं. दिस इज माई L1, दिस इज माई L2. यानी कि मेरी जो फैमिली ऑफ लाइन्स होगा वो L1 L2 होगा. यानी मेरी लाइन है y माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, जिससे मुझको पॉइंट दिख जा रहा है. इससे y इज इक्वल टू 8 मिल रहा है और इससे x इज इक्वल टू 1 मिल रहा है. तो मेरा पॉइंट है 1.8. रिपीट कर रहा हूं, सेम चीज हम लोगों ने उसमें भी की थी. किसमें? सर्कल में. सबसे पहले मैंने लाइन के ऊपर एक पॉइंट एज्यूम किया लैम्डा के टर्म्स में. कभी भी लाइन के ऊपर दो वेरिएबल में पॉइंट एज्यूम नहीं करोगे, लाइन के ऊपर एक वेरिएबल में पॉइंट एज्यूम करोगे. तो पॉइंट एज्यूम किया, फिर उससे सीओसी निकाला. सीओसी से को मैंने फैमिली ऑफ लाइन्स में कन्वर्ट किया एंड फैमिली ऑफ लाइन्स में कन्वर्ट करने के बाद हो गया. ठीक है, अच्छा इस संडे को तुम्हारा टेस्ट होगा किसका बताओ? इस संडे को तुम्हारा वैट होगा किस चैप्टर का? स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड पैराबोला. स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड पैराबोला, जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है.
हाँ सर हम नहीं आयुष ठीक है एवरीवन वी आर डन विथ पैराबोला. हमने तीन चैप्टर्स कर लिए हैं संडे तक रिवाइज पैराबोला ठीक है. हाँ जब मैं स्ट्रेट लाइन बोलता हूं तो उसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज इंक्लूडेड होता है. टिल पैराबोला तुम्हारा टेस्ट है ठीक है. अच्छे से दो. मिलते हैं. चलो ऑल द बेस्ट. वी आर डन विथ पैराबोला. वी आर डन विथ पैराबोला. चलो बाय एवरीवन.